दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, सैलरी भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 13 जनवरी को जारी किया गया है। यहाँ पर आप वैकेंसी नोटिस देख सकते हैं। फिलहाल इनकी तरफ से परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहली वैकेंसी आपकी रहने वाली है डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल के लिए। यहाँ पर वैकेंसी आपकी डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। अगली वैकेंसी आपकी है असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिज़ाइन के लिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर आर्किटेक्ट पोस्ट पर वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर MIS पोस्ट पर वैकेंसी है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है मैनेजर टेक्निकल के लिए। यहाँ पर फ्रेशर्स इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। और भी यहाँ पर आपकी काफ़ी पोजिशंस के लिए वैकेंसी रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, सैलरी आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी क्या रहेंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है और आपके पास मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली वैकेंसी आपकी रहने वाली है मैनेजर टेक्निकल के लिए। यहाँ पर आपकी टोटल 6 पोस्टों पर वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने BBTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। BBTech में आपके मिनिमम 60% और 50% मार्क होने चाहिए। ये वैकेंसी आपकी परमानेंट बेस पर निकाली गई है। तो जो भी दोस्त हमारे गेट क्वालिफाई हैं 2018, 19, 20, 21 या फिर 2022 के, आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके पे लेवल के बारे में तो यहाँ पर आपको लेवल 12 की सैलरी मिलने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर आपको 56,100 रुपये मिलेगी। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने BBTech किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। BBTech में आपके मिनिमम इतने परसेंट मार्क होने चाहिए। और यहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका गेट स्कोर कार्ड के आधार पर है। अगर आप गेट क्वालिफाई हैं 2018, 19, 20, 21 या फिर 2022 में आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। जॉब आपकी परमानेंट बेस पर रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर आपको 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक मिलने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है साइंस में और आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंजीनियरिंग में, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपसे 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी यहाँ पर आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाली है। और अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने BBTech किया है कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ये जॉब आपकी डेप्यूटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर आपको 50,000 रुपये प्रति मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिज़ाइन के लिए। अगर आपने BBTech किया है डिज़ाइन में और मिनिमम आपके पास 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहां पर आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगी। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिविल के लिए। टोटल आपकी 11 पोस्टों पर भर्ती है। यहाँ पर भी आपसे BBTech मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहाँ पर आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगी। और लास्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए। यहाँ पर आपकी टोटल 5 पोस्टों पर वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपसे BBTech मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 15 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बी बी टेक किया है इन ब्रांचों में, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं और एलिजिबल भी होते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी 250 रुपये रहने वाली है। और बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में, तो फॉर्म ऑनलाइन होने आपके शुरू हो चुके हैं 10 फरवरी से, लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 4 मार्च रहेगी। बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपके अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं। यहाँ पर आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके 40 मार्क लिए जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस के 50 मार्क लिए जाएंगे और आपके पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पर 10 मार्क लिए जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है जनरल मैनेजर सिविल और आर्किटेक्ट के लिए, यहाँ पर भी आपका सेम प्रोसेस है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क, एक्सपीरियंस के 50 और पर्सनल इंटरव्यू के आपके 10 मार्क लिए जाएंगे। और बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 63 साल रखी गई है। एज का कट ऑफ आपका 1/1/2023 के हिसाब से लिया जाएगा। बात करें आपके इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में, तो फॉर्म ऑनलाइन होने आपके शुरू हो चुके हैं 10 फरवरी से, लास्ट डेट यहां पर आपकी रखी गई है 4 मार्च। और जो लोग भी यहां पर शॉर्टलिस्ट होंगे उसकी लिस्ट यहां पर पब्लिश की जाएगी 27 मार्च को, और इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 5 अप्रैल को, और जो लोग भी यहां पर फाइनल सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट जारी की जाएगी 11 अप्रैल को। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।